निगम द्वारा शमशान घाटों में निःशुल्क गोकास्ट उपलब्ध कराने की जो आज प्रस्ताव आया उसके बारे में आप कुछ बताएं, क्या है उसमें? हिंदू मान्यता के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार गाय को हम माता मानते हैं और बचपन से हमें यही सिखाया गया है और ये सत्य भी है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। अभी ग्रामीण क्षेत्र में कई जगह ऐसा देखा गया है कि जब वो गौ माता बुजुर्ग हो जाती है, प्रोडक्टिव नहीं रहती है, दूध नहीं देती है, तो लोग उनको वैसे ही आश्रय बेसहारा करके छोड़ देते हैं। हमने एक नई पहल करी है कि शमशान के अंदर जहाँ आदमी की अंतिम यात्रा होती है और उसको अपन मोक्षधाम भी कहते हैं, अंतिम संस्कार में जहाँ लकड़ियों का उपयोग होता है, वहाँ हम ये चाह रहे हैं कि गौ कास्ट का भी उपयोग हो और गौ कास्ट हम निगम की तरफ से निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। हमारे गौ कास्ट का क्या बोलते हैं यूज़ हो तो क्या इतनी लकड़ियाँ जितनी लगती हैं उतना क्या गौ कास्ट वहाँ उपलब्ध हो पाएगा कि मतलब लकड़ियों की जगह गौ कास्ट यूज़ हो पाए? अभी हम एक पहल करने जा रहे हैं, हमारे पास हिंगोनिया गौशाला है जहाँ पे करीबन 13,500 गोवंश हैं, तो वहाँ हमने बात करी है, वहाँ भी गोकास्ट बन रही है। प्रत्येक दिन की अभी 500 किलो गोकास्ट अवेलेबल हो सकती है, उन्होंने आश्वासन दिया। इसको हम बढ़ाना चाहते हैं जिससे कि पेड़ों की जो कटिंग है वो बचेगी, पर्यावरण शुद्ध रहेगा। जो अभी आप देख रहे हैं एक ग्लोबल वार्मिंग, हमारे नरेंद्र मोदी जी भी उसके बारे में बात करते हैं और वो कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए हमें ग्रीनरी चाहिए हर चीज़, तो इससे कहीं ना कहीं
पेड़ों का भी संरक्षण होगा और गौ माताओं का भी संरक्षण होगा, क्योंकि जब जो गौ माता दूध नहीं देगी वो गोबर तो ज़रूर देगी, उस गोबर से अगर गोकाष्ठ बनती है और वो मोक्ष धामों में काम में आती है तो गोपालक जो भी है वो उसको अपने घर से नहीं निकालेगा तो उसको घर में ही रखेगा। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि इससे गौ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, वो गौ माता बेसहारा नहीं होगी। जैसे बात करते हैं अगर 100% में से जैसे 100 पेड़ अगर कटते हैं अभी जो कट रहे हैं फॉर एग्जांपल गोकाष्ठ आप लोग उपलब्ध कराएंगे शमशान घाटों में, तो फिर आपको क्या लगता है कि कितने परसेंट पेड़ों की मतलब बचत हो सकती है कटने की? अभी ये गोकाष्ठ उपलब्ध कराने पे डिपेंड रहेगा कि जहाँ एक व्यक्ति को करीबन 3-3.5 क्विंटल लकड़ियों की आवश्यकता होती है उसमें हम गोकाष्ठ को ऐड करेंगे। और कहीं ऐसा भी कर सकते हैं कि गोकाष्ठ अभी लोगों में एक कहते हैं ना कि मतलब पुराने उसमें चल रहे हैं कि हाँ हमें लकड़ी से ही करना है, बेसिकली कोई उपाय था नहीं। आज भी आप ग्रामीण परिवेश में देखोगे शहरों में कई जगह लकड़ियाँ काम में ली जाती है, आप भरतपुर की साइड जाके देखें वहाँ पे गोबर की थेबड़ियाँ होती है जिन्हें छाने बोलते हैं, उनके अंदर दाह संस्कार किया जाता है। तो उसी को अब एक ये मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी आ गई कि मशीन में डाल के गोकाष्ठ बना दी जाती है लकड़ी के शेप में, उसको हम जितना डिमांड होगी आगे से आगे प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ाएंगे और बढ़ा के निःशुल्क व्यवस्था करने का पूरा भी प्रस्ताव था हमने पास कर दिया। बाकी गौशाला भी हैं क्या, तो धीरे धीरे निगम उनसे भी टाई अप करेगा कि जिससे गोकाष्ठ मिल सके और ये जो पेड़ कटना वो धीरे धीरे कम हो सके और जयपुर नगर निगम ग्रेटर में जो ग्रीनरी है वो धीरे धीरे बढ़े? बिल्कुल, इससे बाकी जो अलग और भी जो गौशालाएँ हैं उसके अलावा आपने देखा होगा कि कई ग्रामीण क्षेत्र में गोपालक हैं उनसे भी हम बोलेंगे छोटी मशीन लगा के वो भी हमें गोकाष्ठ दें, उनसे भी हम लेंगे। और अभी मैं बता दूं जब कोरोना के काल के समय में अगर आपने देखा हो कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत थी, शहर के हर व्यक्ति को समझ में आ गया कि वृक्ष है तो हम हैं, पर्यावरण है तो हम हैं। अगर वृक्ष उसके बाद देखें आप वृक्ष लगाने के मतलब बरसातों के अंदर पेड़ पौधे लगाने का बहुत व्यापक अभियान चलाएं, हर एनजीओ ने हर समिति ने हर व्यापार मंडल ने हर राजनीतिक संगठन ने वो किया है, तो अब लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है कि हमें वृक्षों का संरक्षण करना पड़ेगा, ये धरती हमारी है, हम इसके संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हम खुद काल के ग्रास में जाते ही चले जाएंगे। धन्यवाद।